हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ में लौकी की खीर, और वो भी नमक वाली। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, यकीन मानिए। एक बार इसको खा लेंगे बना के ना, तो मीठी वाली खीर तो आप भूल ही जाएंगे। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं बनाना। तो मैं यहाँ पे 500 ग्राम लौकी ले ली हूँ, और ये बिल्कुल ताज़ा लौकी है। तो अब इनका हम छिलका उतार लेंगे। तो लीजिए, हमने लौकी का छिलका उतार लिया है। तो अब लौकी को हम अच्छे से पानी में साफ़ कर लेंगे, और किनारे का पार्ट हम कट करके निकाल देंगे। तो लीजिए, हमने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब हम कट कर लेंगे। तो आधे हिस्से से हमने इसे कट कर लिया है, इसको हम रख लेते हैं प्लेट में। और अब हम लेंगे एक ग्रेटर, तो लौकी को हम कद्दूकस कर लेंगे। मेरे पास यही ग्रेटर है, आपके पास जो भी ग्रेटर होगा उससे आप इसे ग्रेट कर सकती हैं। तो एक ही प्रोसेस से सारी लौकी को हम ग्रेट कर लेंगे। लीजिए, लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है, और अब इसको हम निकाल देंगे प्लेट में या थाली में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसे ग्रेट किया है। और अगर आप चाहें तो इसे बिना ग्रेट के भी बना सकती हैं, चाकू से बारीक कट करके। तो लीजिए, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश है ये। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, और हमने इसमें डाल लिया है 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे जीरे का तड़का। तो तड़के में हमें और कुछ नहीं डालना है, बस जीरे का तड़का ही लगाना है। और अब हम कद्दूकस की हुई लौकी से डाल देंगे, और अच्छे से इनको हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसको हम ढक देंगे। ढक के पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक, और बीच में इसको हम फिर एक बार खोल के चेक कर लेंगे। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, फिर से अच्छे से चला देते हैं ताकि नीचे ये जलने ना पाए, पकड़ने ना पाए। और फिर से इसको हम ढक देंगे। ढक के इसको हम 6 से 7 मिनट तक और पकाएंगे, बिल्कुल ब्राउन होने तक। हमने इसे ढक दिया है। तो आप देख सकते हैं कि लौकी बनके हमारी तैयार हो गई है, और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, और इसको हम साइड पर रख देंगे। और अब हम लेंगे दूसरा बर्तन। मैं यहाँ पे एक भगोना ले रही हूँ छोटा सा, और हमने इसमें डाल लिया है 1 लीटर से थोड़ा सा कम दूध। और जिस भगोने में दूध था उसी में 2 ग्लास पानी हम डाल के संभाल के इसी में डाल देंगे। तो कुल मिला के दूध हमारा 1.5 लीटर हो गया है। और फ्रेंड्स, दूध हमारे पास कम है, आपके पास दूध होगा ज़्यादा तो आप 2 लीटर दूध को कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने एक उबाल इसमें आने दिया है, तो यहाँ पे 1 कप चावल इसमें हम डालेंगे। और ये नया वाला चावल है, आपके पास अगर पुराना चावल होगा तो आप आधा कप ही डालिएगा, हाफ ही डालिएगा। तो चावल को हमने धो के डाल लिया है, और इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए 1 मिनट तक ऐसे इसको हम पकाएंगे। तो ढकना नहीं है, बिना ढके इसको पकाना है। तो लीजिए, उबाल आ गया है दूध में और खीर में।
इसको 3 से 4 मिनट तक और पकने देते हैं हम लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि चावल हमारा पक गया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि चावल हाफ पक चुका है। तो अब हम डाल देंगे लौकी की सब्ज़ी को, जो हमने लौकी की सब्ज़ी को पका के रखा था उसको हम इसी में डाल देंगे और सभी को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो नमक हम इसमें नहीं अभी डाले हैं, तो नमक को हम डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा जब बनाइएगा। तो अब इनको हम अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक और पका लेंगे ढक के। तो लीजिए हमने इसे ढक दिया है, 1 मिनट और हम पकाएंगे। तो 1 मिनट हो गया है और हमने इसे गैस से उतार लिया है बोट पे। और आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट बनके लौकी का नमक वाला खीर बनके तैयार हुआ है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। और इस रेसिपी को एक बार बना के आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी है। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। थैंक्स।